जी नल की जवेरिया सऊद हमारे सामने यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हो? पता नहीं कितना जालिम मुझे समझने लग गए होंगे। हम मैं ठीक हूँ, तुम बताओ निंदा कैसी हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ तुम्हें ठीक ठाक सलामत रखे। आमीन। अच्छा ये मैंने अक्सर जवेरिया को देखा, लाइक इसने जब लाइक एज हीरोइन जब भी कोई काम किया तो ये रोती छती, सारे लोग इसको रोते हुए कैरेक्टर्स देते थे। और बस मतलब लाइक हर ड्रामे में बेचारी जवेरिया रो रही होती थी। पीटीवी का ड्रामा था कासिम जलाली साहब का, और बड़ा मशहूर ड्रामा था ये भी, हिस्टोरिकल प्ले था। और ये जो पहला हिस्टोरिकल प्ले मैंने किया था, पहला और आखिरी था आई थिंक शायद, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। अच्छा तुमने पीटीवी भी तो काम किया, लेकिन तुमने प्राइवेट प्रोडक्शंस भी बहुत की, तुमने दो चीजें एंजॉय की हैं। नहीं तुमने बाल बनाए यार, ये मुंह इतना नहीं हो सकता जैसा पहले। क्या हो सकता है? क्या ये आप अगर एक साल की भी पुरानी पिक्चर्स देखो उसमें भी चेंज लगता है। ये तो फिर भी बहुत है पुरानी, लेकिन टाइम चेंजेस द मेकअप, आई थिंक मेकअप हेयर स्टाइल उससे भी चेंज आता है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है वक्त के साथ ग्रेस बढ़ती जाती मुझे लगता है ज्यादा। अच्छा है ना, मुझसे कोई पूछे किस एज में आई वुड रादर प्रेफर, अभी नहीं जरा लिटिल बैक, लेकिन वो ज्यादा अच्छी एज। आई डोंट नो, वाकई आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब जो पुरानी पिक्चर्स हमें नजर आती है ना, जब मम्मी के साथ और अब्बू के साथ आईब्रो मिली हुई मुझे छुपा देते हैं आप उसे, ये छुपा दो, हमारे बहन भाई ब्लैकमेल कर रहे थे, ये दिखा दे तुम्हारे मियां को, दिखा दे बुरी बुरी तस्वीरें। आई थिंक दिस इज द बेटर टाइम आजकल जो है वो। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get golden loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat.